केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि के तीनों अध्यादेशों के खिलाफ लगातार किसान भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज किसानों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर उनका पुतला जलाया गया। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले अंबाला के जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर आज तीसरे दिन भी किसानों का कृषि के तीनों अध्यादेशों के खिलाफ धरना जारी रहा। किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर उनका पुतला जलाकर अपना रोष व्यक्त किया। किसानों का साफ कहना है कि जब तक सरकार किसान विरोधी तीनों काले अध्यादेशों को वापस नहीं लेती, यह आंदोलन जारी रहे। वहीं आज पूर्व सैनिक वेलफेयर कमेटी अंबाला ने भी अपना समर्थन किसानों को दिया। इस मौके पर पूर्व सैनिक वेलफेयर कमेटी के प्रधान अतर सिंह मुल्तानी ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द किसान विरोधी अध्यादेशों को वापस ले। साथ ही उन्होंने कहा कि देश का दुर्भाग्य है कि आज सैनिक और जवान दोनों अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। पूर्व सैनिक वेलफेयर कमेटी अंबाला एक किसान यूनियन अंबाला को समर्थन देने के लिए आई है और मैं ये इनका पुरजोर समर्थन करता हूँ। मैं ही नहीं करता, पूरे अंबाला के पूर्व सैनिक भी करते हैं। मैं आज दोबारा से सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि जो अध्यादेश लाई है उसको कैंसिल किया जाए और जितनी भी किसानों की मांगे हैं उसको शांतिपूर्वक माना जाए, ताकि आने वाले टाइम में इसके ऊपर विवाद ना बढ़े, ताकि वन रैंक वन पैसे की तरह आज किसान भी रोड के ऊपर बैठे हुए हैं। और ये बात मैं दावे से कहता हूँ, जिस देश में किसान और जवान सड़क के ऊपर आकर बैठ जाए उस देश का दुर्भाग्य। हम जेलों में भी जाने के लिए तैयार हैं। हम बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि हमारी मांगे मानी जाएं। संघर्ष बहुत लंबा हो गया, अगर लंबा खींचेंगे तो देश का भी नुकसान हो सकता है और अपने हम नहीं चाहते हैं ये पहले जैसे कोई आंदोलन हुए उसमें नुकसान होया या अपने देश का कोई नुकसान हुए। सुखविंदर जी, आज क्या क्या हुआ है यहाँ पर? आज जो नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मना रहा है, हमने उसको जला के जन्मदिन मनाया उसका, क्योंकि हमें जला के पुतला जला के जन्मदिन मनाना इसलिए पड़ गया है क्योंकि इतना हमने आज तक सरकारें बहुत आई हैं, बहुत सरकारें चली गई, इतना भी कोई सरकार ने कमी नहीं देखी भी किसान आंदोलन शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन को उग्र आंदोलन बनाना चाहते हैं, अभी हमारे जो संगठन को तोड़ना चाह रहे हैं, फूट डालना चाह रहे हैं, पर वो बात पहले वाली नहीं रही है। अब किसान समझ गए हैं, एक आदमी ने हमारे संगठन को तोड़ने की दिल्ली में तो बात करी है, पर हमारे किसानों ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमारे जो नेता हैं गुरनाम सिंह चुरुन्नी, वो सच्ची लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके जैसा को हमारे को नेता नहीं मिलेगा। 20 तारीख को हम कोई भी जो छोटे रोड हैं, जैसे हिसार रोड है, चंडीगढ़ रोड है या नारायणगढ़ रोड है, इन रोडों को सहार रोड है, इन रोडों के ऊपर हम प्रोग्राम बनाएंगे, कहीं भी बनाएंगे और वहां रोड रोकेंगे। उसके बाद अगर सरकार फिर भी नहीं मानी तो जो हमारे गुरनाम सिंह चुरुन्नी जी अगले आंदोलन की हमें ड्यूटी लगाएंगे किसानों की, हम उसमें भी हर किसान अपने बढ़ चढ़ कर भाग लेगा। समय रहेगा वैसे तो 11 से 2 है, 3 घंटे का जाम है ये, तो 12 बजे से 3 का भी हो सकता है, वैसे 11 से 2 ही है। विपक्ष की तो वोट चाहिए, विपक्ष को तो, विपक्ष को किसानों से और आम जनता से कोई, इनको शाहरुख नहीं है, इनको तो अपनी कुर्सी चाहिए, कुर्सी के लिए ही वो लोग बीच में आते हैं। अगर किसानों की कोई हमदर्दी होती, मैं अब कांग्रेस को या विपक्ष में जोड़ी मजबूत है, जो कांग्रेस ही पार्टी है, उन्होंने कहीं भी गर्मी में बैठने की हिम्मत नहीं करी। और मैं अपने किसान साथियों से भी कहूँगा, किसान साथियों जो आपका साथ देता है उनके साथ चलें,